अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ फिजा। तो आज मैं लेकर आई हूँ अपना न्यू व्लॉग आप लोगों के लिए। देखिए मेरे साथ हरीम भी है, हेलो, अयान भी आ गया। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि आज क्या है? आज है मेरी बर्थडे। और ये देखिए भाईजान भी आ गए। और आज मेरी बर्थडे के लिए बहुत कुछ बन रहा है और फन विद अस, मतलब असदुल्ला एंड मेहरू भी आ रहे हैं। लेकिन मुझे तो लगता है मेहरू सिर्फ इसलिए आ रही है क्योंकि उसने मैक्रोनी खानी है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे घर में बन क्या रहा है। ओके, ये देखें फ्रेंड्स। वैसे मामा, यहाँ बन क्या रहा है? मैक्रोनी। यहाँ पर अभी मैक्रोनी के लिए चिकन डाला हुआ है। आई थिंक मैक्रोनी वो हो गई है तैयार। क्या कहते हैं उसे, हाँ, फाइनल अभी टच बाकी है ना, चिकन में शामिल होगी फिर बनेगी। फिर मैरू खाएगी। मेरू खाएगी, बस मेरू नहीं खाना जब तक मेरू नहीं खाएगी। मेरू आ इसलिए रही है। तो फ्रेंड, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैक्रोनी बन रही है, अभी उसके लिए चिकन डाला हुआ है और हमारे घर बिरयानी भी बन रही है। ये अयान ने ये मामा को तंग कर रहा है, उसने किचन में बर्तन गिरा दिए। अभी इधर डांट पड़ी है, वो साइड पे हो गया शायद, अब इधर आ गया। फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा मजा? ये पापा तो मेहरू, मतलब असदुल्ला एंड मेहरू भी रास्ते में ही होंगे क्योंकि इन्हें पता है वो लेट हो गए तो वो खाना नहीं खा पाएंगे, ठंडा हो जाएगा, बिरयानी ठंडी हो जाएगी। और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप लोगों ने मुझे बर्थडे विश किया जी। और फ्रेंड्स, आपने फिजा के लिए कोई गिफ्ट नहीं लाना, ठीक है? क्या पता फ्रेंड्स ला रहे मेरे लिए गिफ्ट। मुझे तो ये तो पता है कि असदुल्ला एंड मेहरू मेरे लिए जरूर कोई गिफ्ट ला रहे होंगे। चले देखते हैं कौन कौन आता है। और फ्रेंड्स, अभी मैं मामा को इतना तंग नहीं करूंगी किचन में क्योंकि फिर मामा से मुझे डांट पड़ जाएगी, जो कि अभी अभी अयान को पड़ी है। तो फिर मिलते हैं थोड़ी। खाना थोड़ा खाना पड़ेगा और डांट ज्यादा पड़नी पड़ेगी। हेलो फ्रेंड्स, ये है फिजा, ये है हरीफ, ये है रियान। कहाँ चला गया ये रियान है? हेलो फ्रेंड्स, जो भी आप बात के लिए गिफ्ट भेजेंगे ना, वो बात के सारे गिफ्ट रहेंगे। और फ्रेंड्स, फ्रेंड्स हम लोग है ना फिजाज और हम है ना अयान एंटरटेनमेंट। और आप? मैं फिजाज फैमिली। यस। और आप तो रियान हैं, वो अयान की तरह है अयान भाई। फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ क्या पोजीशन होगी इसकी। अब ये देखें, ये देखें, वाओ कितने मजेदार लग रही है मैक्रोनी। अब मामा इसे दम पे चढ़ाने लगी हैं। ये देखें कितनी अच्छी लग रही है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग फुला रहे थोड़े से बैलून्स। मैं खुद ही बाबा के साथ खुद ही फुला रही हूँ क्योंकि अयान तो हो गया। कह रहे मेरी सांस रुक जाती है। फ्रेंड्स, मैंने कर रहा है ड्रामे कर रहा है। ड्रामे बहुत होते हैं एक्टर, ये शूटिंग कर करके ना, एक्टिंग कर करके एक्टर बन गया, पक्का एक्टर हो गया। ये आई है मेरी बच्ची, ये कुछ काम करेगी। ये क्या फुलाई? देखिए क्या फुलाई, वो इतना ज्यादा, ये इतना ही फुला सकती थी। इतना तो काम कर रही है मेरी बेटी। फ्रेंड्स देखें, जब से मैं चैलेंज खा रहा हूँ ना, वो वाला लेटर्स वाला, तो मैंने ये गेम कर ली। हाँ देखा, दिमाग की गेम खेलनी चाहिए, दिमाग की। क्योंकि फिजा ज्यादातर ऐसी गेम्स ही खेलती है। किसी भी बात इसको डर होता है कि कोई भी कंपटीशन स्टार्ट हो गया तो मैं कहती बात क्रीम बुला रही। बाबा कहाँ गए आपके? बाबा वो बाहर को डिलीवरी देने आए हैं, उनके पास गए। लगता है बाबा ने मेरे लिए कोई बड़ा सा गिफ्ट मंगवाया है। सो के उठ गई वो? हाँ, हरीम के लिए हो सकता है। हर चीज जो भी मेरा गिफ्ट है ना, बस अब आपका नहीं, ये मेरा हो गया, आपका नहीं, अब ये मेरा है। बढ़िया। असल में इतने बर्थडे की तो नहीं है, लेकिन जो आ रही है ना इसकी फ्रेंड मेहरू, उसने कहा है जी बैलून भी फुला के रखना। वो सिर्फ आके क्या करेगी फिदा? वो बस क्या करेगी वैसे, वो बस खाएगी मैक्रोनी क्योंकि उसकी और मेरी फेवरेट है मैक्रोनी। और क्या करेगी? हम लोग खेलेंगे और जो भी करेंगे दिखा दोगे फ्रेंड? दिखाएंगे व्लॉग में हमारे। तो अस्सलाम वालेकुम।
हमारे यहाँ जब किसी एक की बर्थडे होती है तो सबको विश किया जाता है। हैप्पी बर्थडे अगले ही दिन। ये देखिए जरा कैसे मिल रहे हैं। अगले ही दिन किसी और की भी बर्थडे शुरू हो जाती है। 12 बजे के बाद नेक्स्ट बर्थडे है। तो बर्थडे होगी तो नेक्स्ट बर्थडे पे वो अपना बर्थडे भूल जाएगा। देखा अब तुम्हें मालिक कितनी समझदारी वाली बात की है। जो बर्थडे है वो बर्थडे नहीं है। आयशा को तो मैंने देखा ही नहीं। फिजा आयशा देखिए आयशा भी आई है आपकी बर्थडे पे। फिजा शर्मा क्यों रही हो? आयशा ने कार्ड बनाया। और लुकमान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे बर्थडे पे बुलाया। बर्थडे पे ये आपकी तस्वीर ले रही हूँ मैं। बच्चों रेडी हो जाओ। 1 2 3 ये आपके साथ प्रैंक हो गया क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी। चलिए आप सारे वापस चले। नहीं, फिजा को हैप्पी बर्थडे कहे सारे पहले। भाईजान को दो। ये ऊपर से चाय तो खिलाया जा रहा।
चलो जी चलो 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 आप लोग मैरू थैंक यू सो मच, इतना मजे का केक बनाया आपने। मैरू असद आपको मजा आया? हाँ जी बहुत मजे का था, मेरा पेट फुल हो गया यार। ये थी हमारी इमरजेंसी बर्थडे। देखिए बर्थडे तभी हो जाती है जब आपकी अपने खुद से एकदम से आके हमला कर दे और कहे हैप्पी बर्थडे। बर्थडे के लिए कोई चीज करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ अपनों का साथ चाहिए होता है। गिफ्ट वापस ले जाते हैं बेबी को। देखिए केक खत्म नहीं हो रहा, कितने लोग हैं माशाल्लाह खाने वाले, लेकिन केक खत्म नहीं हो रहा। बरकत पड़ गई, बच गया फ्लेवर है मेरे मुंह में, मेरे मुंह में लेमन का फ्लेवर है। नींबू भी डाला था इसमें, क्यों डाला था? फुल प्योर ग्रीन नींबू है, फुल प्योर ग्रीन नींबू है केक में से। ये लेमन केक है ना बेटे, आप खुश किस्मत हो कि वो लेमन आपको पिंक कलर का लेमन था। पिंक कलर चेरी किसी ने भी नहीं खाई, ये चॉकलेट है। अरे भाई ये गिफ्ट किसने दिया ये वाला? ये गिफ्ट कौन लाया? ये किस शहर से उतर के आए हैं ये बच्चे? छुरियां बनी हुई इनकी कोनियों की, देखे जरा ये शंग शी शू। जिम से होके ये पहाड़ की चोटियां, केटू की चोटियां बनी हुई है यहाँ पे, जिम से होके हैं ये लोग। अच्छा अच्छा, लेकिन ये नेहरू ने बहुत प्यार से बनाई है, इसके लिए खुद बनाई है। एक नेहरू है और एक फिजा है, अब चूज आपने करना कि फिजा कौन है और मेहरू कौन है। अच्छा मेरे कपड़ों को देखो, झाड़ू अपने आपको क्या हुआ? चलो बच्चों वैक्यूम ले आए, वैक्यूम सफाई का टाइम है। जब फ्रेंड्स हम थोड़ा यहाँ से क्लियर करेंगे फिर उसके बाद आपसे हम आपको गिफ्ट दिखाएंगे। गिफ्ट भी है? वाह अच्छी तरह से विश तो कर ले एक दूसरे को। हैप्पी बर्थडे, वो गिफ्ट मैं लेकर जाऊंगी। ये देखो ये दो जो है ना ये दो ड्रामा है। मेहरू कह रही है कि गिफ्ट मैं लेकर आऊंगी, मैंने कहा आपसे पहले वो बैठी है गिफ्ट लेने के लिए, यानी बाहर के सारे गिफ्ट मेरे हैं। तो फ्रेंड्स मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेस्टीज आ गई है, आप देख सकते ये छुपी हुई है। और यहाँ पर और भी बच्चे हैं, शोर आ रहा होगा आपको भी। हम लोग खाना खाने लगे हैं, फिर आपको दिखाते हैं। और ये हमारे लिए बहुत से गिफ्ट ट्रांजिशन बोलने के लिए पागल। मेहरू क्या खा रही हो? मैं भी मोगो गोगो खा रहा हूँ। हाँ जी फिजा खाना खा लिया आप लोगों ने? खाना खा लिया आपने? हाँ जी खा लिया। खाना क्या नहीं खाया? खाने में क्या मिला दिया था इसको, क्या हो गया? चलो बोलो आगे चलो। हाय अल्लाह इसको क्या कर दिया मैंने, पूरी होने दो जगह मेरा छोड़ा नहीं कहती मैं आ जाती मतलब आप ना को मेहरू देखो फिजा को देखो गिफ्ट देने के लिए आपको आ रही थी और आप बस गिर गई। अच्छा मेहरू आप क्या लाई हो इसके लिए दिखाओ। याद है हम वहाँ गए थे और हमने तस्वीर खींची थी, वहाँ कहाँ गए थे? ये पहाड़ियों पर गए थे वही पर वही जिम करके गए थे। अच्छा दूल्हा आप क्या लाए हो पिता के लिए? ये आईफोन ब्रांड न्यू पासवर्ड चेंज करना है।
भी नीचे से उठा के लाया हूँ। चले दे फिजा को गिफ्ट दे जल्दी से। आयशा आ जाए, आते जाए, लेते जाए, बैठ जाए सब। वाह फिजा अभी तो आपने आपने बर्थडे से प्लान नहीं की थी, अगर प्लान की होती तो सोचो क्या कुछ मिलता होगा। ये आयशा मेहरू और रसदुल्ला की तरफ आपकी तरफ ऐसी क्या क्या लिखा देखे जी। तो भाई ये बेस्टी डांटती रहती है इसको। ये देखे जी, ये आप तसल्ली से पढ़े बाद में, ठीक है। हम दूसरों के गिफ्ट देखिए अभी और क्या है। ये दोनों बस एकदम मचाते रहेंगे, क्या कर रहे हो आप दोनों? आप कुछ भी नहीं लाए, बहनों को गिफ्ट देना चाहिए। दुआएं सबसे अच्छा। फिजा के फेवरेट कलर जबरदस्त। ये देखो हरीम कह रही है ये मेरे हैं। सब कुछ हरीम ने ले लेना है। वाओ डायरी, इसमें पिज़्ज़ा ने लिखना है पिज़्ज़ा और मैरू, पिज़्ज़ा और मैरू। नहीं ये डायरी सेट करने के लिए है। अच्छा ये सेट करेगी इसके साथ और ये भी लिख सकती है। अब आप इस साइड पे आ जाए और लोगों को भी आने दे। आप बैठी है आयशा, बैठी है। कोई है और गिफ्ट देने वाला? देखो अब्दुलरहमान और मरवा फिजा आपी के लिए क्या गिफ्ट लाए हैं। ये इन दोनों ने खुद बनाया है। वाओ ये पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा देखो इन दोनों का यही काम होता है। ये गलत था, ये तो यार है ना, बाद में बताऊंगा। वो हिप्पो पिज़्ज़ा बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। थैंक यू सो मच। वाओ मरवा ये आप लेकर आई है। ये देखो ये मरवा लेकर आई है और अब्दुलरहमान ने कार्ड खुद बनाया है। देखा अब्दुलरहमान गुस्से से ले आया कि नहीं ये पिज़्ज़ा आपी का गिफ्ट है, कोई भी नहीं ले सकता। ये देखिए सोनिक वाला गिफ्ट लाना था अब्दुलरहमान, जबरदस्त बहुत। लेकिन मैं सोनिक भी हूँ, लेकर आया शैडो, शैडो बैलून लाया। उफ उफ तंग कर रहे हैं भाई अब्दुलरहमान को, तंग कर रहे हैं। ऑस्कर मिल गया फिजा को, थैंक यू सो मच। ये क्यूट बच्चों को थैंक यू। वाओ ये देखिए फुटबॉल जबरदस्त। प्यार करो इन दोनों को, थैंक यू। चले जी खत्म। तो फ्रेंड्स आपने बताना है कि आपको ब्लॉग में सबसे ज्यादा किसको देख के मजा आया और ये ब्लॉग कैसा लगा आपको, और ऐसी बर्थडे नहीं देखी होगी आपने और ऐसा केक तो बिल्कुल ही नहीं देखा होगा आपने जो वक्त के साथ नीचे जा रहा था। तो फ्रेंड्स कुछ कहेंगे फिदा आप? तो फ्रेंड्स आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा हमें बहुत सारा हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जान मेरी नहीं छूटने वाली। अरे क्या बात है ना, बर्थडे किसी एक की
लेकिन खुशी सबके चेहरों पे। वो कहते हैं ना कि ये मत पूछो कि जिंदगी खुशी कब देगी, ये मत पूछो कि जिंदगी खुशी कब देगी। अरे ये परेशानी तो उसे भी है जिसे जिंदगी सब कुछ देती है। समझे नहीं समझे, किसी के पास बैठो और कुछ नहीं सिर्फ एक छोटी सी मुस्कुराहट सब कुछ बदल देगी।